हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर चुका हूँ रेडमी नोट 10 लाइट फ़ोन के बारे में गाइस। और आज का जो अपना टॉपिक है होने वाला है ऐप लॉक के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ उसकी नई सेटिंग। चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए गाइस। अपन चलते हैं अपनी फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में गाइस। देखिए, मैं चुका हूँ सेटिंग में। आपको चले जाना है यहाँ पे ऐप्स में, देखिए, और आपको यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐप लॉक का। इस पर जो आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा देना, जैसे कि मैंने लगा दिया। और जो मेरा ऐप लॉक है वो खुल चुका है गाइस, देखिए यहाँ पे। और मेरे को यहाँ पे ऐप सो रहे होंगे हैं जिनको मैंने अपने ऐप लॉक में लगा दिया और जो काफ़ी को हाइड करके रखा हुआ है, देखिए गाइस। तो इस प्रकार जो अपने फ़ोन में ऐप लॉक लगा सकते हैं। और आपको यहाँ पे हिडन ऐप्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइस, आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी जो जिससे आप अपने ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं। हाइड नोटिफिकेशन कर सकते हैं आप यहाँ से, अगर आपके फ़ोन में अगर ऐप्स की जो नोटिफिकेशन आ रही है उनको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। आपको ऐप लॉक यहाँ से पहले ऑन करना है, तभी आपके फ़ोन में जो है गाइस ऐप लॉक ऑन होगा। या आप अपने जो ऐप लॉक को पासवर्ड जो चेंज करना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को परेशानी आती है कि ऐप लॉक तो अपन ने डाल दिए पर अपन जो है पासवर्ड चेंज कैसे करें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं गाइस। देखिए, आपको आप सबसे ऊपर में ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, फेस लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको ऐप लॉक के अंदर। तो आपको सेटिंग कैसी लगी जरूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।